हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, जिसको मैंने जो आप लोगों को जो टॉपिक करा दिए थे, 12 खड़ी कराई थी, छोटा छोटा जो टॉपिक रहता है छोटे बच्चों का, वो सब मैंने करा दिया था। पर एक छोटा आ से ए, बड़ा आ से डबल ए, ये कराना बाकी था। मैंने आ से लेके आहा तक करा दिया था, जो बाकी बचा है वो मैं आज कराती हूँ। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और का से लेके, का से कबूतर से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक, ज्ञा तक का अंग्रेजी मीनिंग्स देखेंगे अपन। ठीक है, तो देखेंगे हम का से, ये क्या लिखा है, का से क्या बनेगा, के। ठीक है, का से क्या बनेगा, का को अंग्रेजी मीनिंग में क्या बनेगा, के। खा से क्या बनेगा, के एच। गा से जी, घा से जी एच, रा से एन। ठीक है, आगे देखते हैं, चा। चा से क्या बनेगा, जैसे कि कुछ नाम लिखना है, जैसे चमन, चमन लिखना है तो चा से क्या बनता है, सी एच बनता है। ठीक है, और ये पूरा है, चा पूरा है, आधा नहीं है, इसलिए इसमें ए लगेगा। ठीक है, और माँ से क्या बनता है, एम। माँ भी पूरा है तो इसके आगे भी एन लगेगा, सॉरी ए लगेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ना, ना के लिए क्या लगेगा, एन। तो ये लिखा गया अपना चमन, चमन की स्पेलिंग लिखी गई। ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, और ऐसे बहुत ही सरल तरीका है ये, छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं, चा से सी एच, छा से सी डबल एच, जा से जे, झा से जे एच। ये इस अनुस्वार बोलते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, इसको भी अलग रहने दीजिए। आगे देखिए, टा से टी, ठा से टी एच। अनुस्वार मैंने बताया था ना, जैसे कि कॉल लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, ये जो ऊपर लगा है ना, एक है अनुस्वार, इसको यूज किया है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर, टा से क्या बनेगा, टा से टी, ठा से टी एच, ढा से डी एच, ढा से एन। ओके, इसके आगे हम देखते हैं, ता से देखेंगे, ता से क्या बनेगा, ता से भी टी बनेगा, और था से टी एच, ढा से डी एच, ना से एन, पा से पी, फा से पी एच, बा से बी, वा से बी एच। इसके आगे देखते हैं हम, माँ, माँ से क्या बनेगा, माँ से एम, या से वाई, रा से आर, ला से वा, ला से एल, वा से वी। एंड नेक्स्ट देखेंगे, शाह, शलजम वाले शाह से क्या बनेगा, एस एच, एंड षटकोण वाले से एस एच, और सपेरे वाले से एस, क्षत्रिय से, छत्री कहाँ गया, ये है देखो, हाँ, हा से, हा से क्या बनेगा, हा से एच, क्षत्रिय से क्या, के एस एच, क्या बनेगा, छा से क्या बनेगा, के एस एच, और त्रा, त्रिशूल से क्या बनेगा, त्रा, कैसे लिखते हैं अपन, त्रा, त्रा में क्या आ रहा है, टी आ रहा है और आर आ रहा है, तो क्या बनेगा, टी आर ए। और ग्या से क्या बनेगा, जी वाई ए, ए हो गया हमारा सारा, का से लेके ज्ञा तक का पूरा इंग्लिश मीनिंग हो गया। ठीक है, जैसे कोई पूछता है कि किसी प्रकार से कि तुम छोटे छोटे अक्षरों को अंग्रेजी बनाना सीखी, बताइए कैसे बनाते हैं, किसी ने बोला है कि सुमन लिखना है, सुमन, क्या सुमन, सबसे पहले हम देखेंगे इस सुमन से, इस एस से कौन सा एस आएगा, इस शाह से कौन सा एस आएगा, ये वाला, तो ये बन गया एस। अब कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, हम यू लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या है, एम, क्या है, माँ, तो माँ के लिए क्या है, एम लगाएंगे, और माँ पूरा अक्षर है, आधा अक्षर नहीं है, तो एम के बाद क्या लगाते हैं, ए। ओके, और ये लास्ट में है एन, सुमन, ठीक है ना, सुमन, ना के लिए क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो लास्ट में पूरा अक्षर होता है, इसमें क्यों नहीं ए लगाते हैं,
रीजन ये है कि जब सुमन बोलते हैं ना सुमन, तो ना को पूरा तो बोलते नहीं है, माँ को पूरा बोल रहे हैं हम सुमन, माँ के पास स्पेस ले रहे हैं सुमन सुमन, ठीक है ना। और ना ऐसा तो बोल रहे हैं सुमन, ना को पूरा बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे ना, तो इसलिए इसमें इसमें ए नहीं लगेगा। ओके समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, वेरी गुड। अगर आ रहा है तो और अच्छी बात है, तो एक बार आप अच्छे से इसको देखिए, लर्न कीजिए इसी का, और भी जो बच्चे हैं सब आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, इसको देखिए आप, इशिका वंशिका आप सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है इन सब में, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, बस आपकी हिंदी से अंग्रेजी बनाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें रह जाएंगी कुछ, तो वो मैं करा दूंगी आपको, आप एक बार कमेंट कर देना मुझे तो मैं आपको करा दूंगी। ओके थैंक यू सो मच, ऑल इज वेल एकेडमी से जुड़े रहिए, ठीक है। तो ये लास्ट में हो गया हमारा, का से लेके ज्ञा तक हो गया है, इसके बाद हम आपको कुछ छोटे छोटे अक्षरों की मीनिंग्स बनाना सिखाएंगे। ओके तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने जूनियर्स, आप इस वीडियो का एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके थैंक यू।